एक्टिव एजुकेशन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। देखिए आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले नवोदय विद्यालय समिति से जो रिक्वायरमेंट आया है भर्ती 2022 के बारे में, तो वो रिक्वायरमेंट क्या है और किस प्रकार से उसके फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है, ऑनलाइन चार्ज क्या होगा और किस पोस्ट के लिए क्या क्या सिलेबस होगा, ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। सबसे पहले तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट जॉब डिटेल पाने के लिए। हाँ तो देखिए नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार से है नवोदय विद्यालय समिति। अब देखिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट आया है। देखिए रिक्वायरमेंट दो प्रकार से, एक तो HQ एक JNV में। तो पहले हम बात करते हैं HQ में, तो इसमें असिस्टेंट कमिश्नर एंड असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर एंड ऑडिट असिस्टेंट एंड जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर एंड जूनियर इंजीनियरिंग सिविल एंड स्टेनोग्राफर्स एंड कंप्यूटर ऑपरेटर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एंड मल्टी टास्किंग स्टाफ, ये HQ एंड RO के तहत रिक्वायरमेंट। उसके बाद JNV के तहत जो रिक्वायरमेंट है वो बताया गया, फीमेल स्टाफ नर्स एंड कैंटीन असिस्टेंट जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एंड इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर लैब अटेंडेंट एंड मेस हेल्पर। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए पोस्ट की, तो देखिए जो असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए पोस्ट कोड है यहाँ पे एक, इसमें टोटल 5 पोस्ट है एंड वो OH के लिए यहाँ पर एक पोस्ट बताया गया है। OH यानी कि जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनके लिए अलग से पोस्ट है। उसके बाद हम बात करने वाले असिस्टेंट कमिश्नर की ग्रुप ए पोस्ट कोड 2, इसमें टोटल 2 पोस्ट बताया गया है। उसके बाद फीमेल स्टाफ नर्स ग्रुप बी पोस्ट कोड 3, इसमें टोटल 82 पोस्ट बताया है, जिसमें से OH के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है, VH के लिए 1 पोस्ट है एंड अदर के लिए 1 पोस्ट है। उसके बाद असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर्स ग्रुप सी का यहाँ बताया गया है पोस्ट कोड 4, यहाँ पे टोटल पोस्ट जो बताया है वो 10 है, OH के लिए यहाँ पर 1 है और EX मैन के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट बताया गया है। उसके बाद ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप सी पोस्ट कोड यहाँ पर 5, उसमें टोटल पोस्ट 11 बताया है। उसके बाद यहाँ पर जो EX मैन उसके लिए 1 पोस्ट बताया गया है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर्स ग्रुप बी पोस्ट कोड 6 के बारे में, इसमें टोटल 4 पोस्ट बताया गया है, OH के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट बताया गया है। इसमें देखिए आपकी कैटेगरी वाइज जो भी पोस्ट बताया गया है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि मैं सारी चीज़ें इसमें बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसमें आपको अपनी कैटेगरी के सामने देख लेना है कितने कितने पोस्ट बताया गया है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं जूनियर इंजीनियरिंग की सिविल ग्रुप सी पोस्ट कोड 7, इसमें टोटल पोस्ट केवल 1 है जो जनरल कैटेगरी वालों के लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ बात करने वाले स्टेनोग्राफर ग्रुप सी पोस्ट कोड 8 की, यहाँ पे टोटल 8 पोस्ट बताया गया है, ST वालों के लिए यहाँ पर पोस्ट नहीं है। उसके बाद OH के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है, EXM के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी के लिए, देखिए इसमें कुल 4 पोस्ट बताया गया है, जिसमें से जनरल एंड EWS एंड OBC वालों के लिए एक एक पोस्ट है। और यहाँ पर बताया गया है कैंटीन असिस्टेंट ग्रुप सी पोस्ट कोड 10, इसमें देखिए टोटल 87 पोस्ट बताया गया है। उसके बाद हमें बात करने वाले हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी के बारे में, तो इसमें टोटल 8 पोस्ट बताया गया है। इसी के साथ हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी में यहाँ पर कुल 622 पोस्ट बताया गया है। इसके बाद हम इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर ग्रुप सी पोस्ट कोड 13 की मैं बात करें, टोटल 274 पोस्ट बताया गया। उसके बाद यहाँ पर बताया गया लैब अटेंडेंस ग्रुप सी पोस्ट कोड 14, इसमें टोटल 142 पोस्ट बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मेस हेल्पर ग्रुप सी पोस्ट 15 की, तो यहाँ पर टोटल 629 पोस्ट बताया गया। उसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रुप सी के लिए यहाँ पर बताया गया है जो टोटल पोस्ट है 23 है। इसके बाद देखिए आप जिस भी डिसेबल पर्सन हो यदि तो आपकी कैटेगरी वाइज आप इसके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ कैटेगरीज बताया गया जैसे OH VH, ये आपको देख लेना। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखिए किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज है और कितना वेतन मिलेगा। देखिए यहाँ पर बताया गया कि असिस्टेंट कमिश्नर के लिए यहाँ पर जो पे स्केल होगा ये लेवल 12 से पे स्केल होगा, यानी कि जो वेतन होगा वो 78,800 से 2,09,200 रुपये तक
वेतन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर जो एज लिमिट है, अपर एज बताया गया कि 45 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्वालिफिकेशन की हम यहाँ पर बात करें तो देखिए, जो असिस्टेंट कमिश्नर के लिए क्वालिफिकेशन है, या आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए इन ह्यूमैनिटीज साइंस कॉमर्स से होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें असिस्टेंट कमिश्नर ADMN के लिए पोस्ट सेकंड के लिए, तो देखिए वेतन जो होगा वो लेवल 11 से पे होगा, यानी कि 67,700 से तो 2,70,000 तक मिलेगा। जो इसमें एज की लिमिट है 45 वर्ष होगी। इसमें क्वालिफिकेशन की हम यदि बात करें तो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए आपके पास। और उसके बाद यहाँ पर बात करने वाले हैं फीमेल स्टाफ नर्स के लिए, तो देखिए फीमेल स्टाफ नर्स के लिए जो वेतन होगा वो 44,900 से तो 1,42,400 रुपये रहेगा। एज लिमिट यहाँ पर 35 वर्ष बताया गया है। क्वालिफिकेशन के लिए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं तो देखिए आपके पास सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी कि क्लास 12th होना चाहिए, और साथ में ग्रेड ए के साथ 3 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सिंग के साथ। उसके बाद यदि ये नहीं है तो आपको BSc नर्सिंग होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग का। ये सारी चीज़ें आपको याद होगी यदि आपको BSc नर्सिंग है तो। इसके साथ यहाँ पर हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर्स पोस्ट कोड 4 के बारे में, तो देखिए वेतन यहाँ पर बताया गया लेवल 6 से पे होगा, यानी कि RS 35,400 से तो 1,12,400 तक होगा। और एज की जो गणना होगी वो यहाँ पर बताया गया है कि आपकी उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच में होना चाहिए। उसके बाद इसमें बताया गया है क्वालिफिकेशंस की, तो देखिए डिग्री आपके पास होना चाहिए, साथ ही नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर ऑपरेशन का आपका नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ऑडिट असिस्टेंट की पोस्ट कोड 5 की, तो देखिए इसमें जो आपकी सैलरी होगी लेवल 6 से पे होगी, यानी कि 35,400 से लेकर तो 1,12,400 तक वेतन दिया जाएगा। इसके बाद एज लिमिट यहाँ पर 18 से 30 वर्ष के बीच में होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में आपके पास BCom होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जूनियर ट्रांसलेट ऑफिसर्स की, तो इसमें जो बताया गया वेतन 35,400 से 1,12,400 तक दिया जाएगा। और इसमें अभी कोई इसमें जो अपर एज बताया गया 32 साल बताया गया। क्वालिफिकेशन के हम यहाँ पर बात करने वाले, तो देखिए आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी विद इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। यदि ये नहीं है तो मास्टर डिग्री आपके पास हिंदी एंड इंग्लिश से होना चाहिए। उसके बाद हम अपन बात करने वाले हैं जूनियर इंजीनियर सिविल की, और इसमें देखिए वेतन की बात करें तो वेतन इसमें 29,200 से तो 92,300 तक दिया जाए। इसमें एज की बात करें तो इसमें बताया गया अप टू 35 ईयर। और उसी के साथ हम अपन बात करने वाले हैं क्वालिफिकेशंस की, तो देखिए आपके पास डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की, या फिर 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा आपके पास। स्टेनोग्राफर पोस्ट 8 की, वेतन की बात करते हैं तो लेवल 4 से 25,500 से तो 21,100 तक इसका वेतन रहेगा। एज लिमिट की बात करें तो एज आपके 18-27 वर्ष के बीच होना चाहिए। इसके बाद क्वालिफिकेशन की बात कर देखिए सीनियर सेकेंडरी 12th आपके पास होना चाहिए, शॉर्ट एंड स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। उसके बाद हम यहाँ बात करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर की, देखिए इसमें वेतन बताया गया 25,500 से तो 21,100 तक बताया गया, साथ ही एज की जो लिमिट है वो 18 से 30 वर्ष के बीच में होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, और आपका स्किल्स होना चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग एंड डाटा एंट्री विथ 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कैंटीन असिस्टेंट की, तो इसका जो वेतन होगा लेवल 4 से पे होगा, यानी 25,500 से लेकर 21,100 तक रहेगा। अपर एज लिमिट यहाँ 35 वर्ष अप टू 35 वर्ष बताया गया। क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए आपके पास यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल यानी कि 10th क्लास पास होना चाहिए एंड 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कैंटीन का। उसके बाद हम बात करने वाले हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट पोस्ट 11 के बारे में, तो जो वेतन बताया गया लेवल 2 से होगा, यानी कि 19,900 से तो 63,200 तक इसका वेतन रहेगा। साथ ही एज की बात करें तो एज इसमें 18-27 वर्ष के बीच में आपकी होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी यानी 12th क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके पास जो नॉर्मली स्पीड होनी चाहिए वर्ड की वो 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग में होना चाहिए एंड 25 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग में होना चाहिए। और साथ ही मैं आप यदि बात करने वाले हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की, तो इसमें जो वेतन होगा लेवल 2 से पे होगा, यानी कि 19,900 से 63,200 तक रहेगा। और जो एज की एज लिमिट है वो 18-27 वर्ष आपकी होना चाहिए। इसमें क्वालिफिकेशन की हम यदि बात करें तो आपके पास 12th क्लास पास होना चाहिए, और जो आपकी प्रोसेसिंग स्पीड है यानी कि टाइपिंग स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी सॉरी इंग्लिश में होना चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में
होना चाहिए। उसके साथ यदि ये नहीं है तो आपके पास 12th क्लास होना चाहिए और साथ ही आपके पास सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस एंड ऑफिस मैनेजमेंट सब्जेक्ट होना चाहिए। और यदि आपके पास यहाँ पर देखिए बात करने वाले इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की, तो इसमें पोस्ट कोड 13 है। जो वेतन की बात करें 19,900 से 63,200 तक वेतन रहेगा। एज लिमिट की यदि बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच की आपकी उम्र होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की यदि बात करें, देखिए आपका 10th क्लास पास होना चाहिए, साथ ही आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन एंड वायरमैन एंड प्लम्बिंग के साथ, और 2 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन इंस्टॉलमेंट का। और इसी के साथ हम यहाँ बात करने वाले लैब अटेंडेंस अटेंड की, तो देखिए पे जो आपका वेतन रहेगा लेवल 1 से 18,000 से तो 56,900 तक इसका वेतन रहेगा। एज लिमिट की यदि बात करें तो 18 से 30 वर्ष इसमें एज मांगी गई है। उसी के साथ यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन की बात करें, देखिए 10th क्लास पास होना चाहिए एंड आपके पास लेबोरेटरी टेक्निकल डिप्लोमा होना चाहिए, और यदि ये नहीं है तो आपके पास 12th क्लास साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। और यदि देखिए आप बात करने वाले मेंस हेल्पर की, तो देखिए मेंस हेल्पर में पोस्ट कोड 15 है। यहाँ पर वेतन की बात करें तो लेवल 1 18,000 से लेकर 56,900 तक वेतन दिया जाएगा। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो 18 से 30 वर्ष की इसमें एज मांगा गया है। क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ, देखिए मेट्रिक क्लास पास होना चाहिए, 10th क्लास पास होना चाहिए। उसके बाद देखिए मैं बात करने वाले मल्टी टास्किंग स्टाफ यानी कि MTS की, तो जो वेतन रहेगा ये 18,000 से लेकर 56,900 तक रहेगा। एज लिमिट की मैं बात करना रहा तो 18 से 30 वर्ष की उम्र वाले इसका आवेदन कर सकते हैं। साथ क्वालिफिकेशन में यहाँ पर 10th क्लास पास मांगा गया। देखिए एज रिलेशन की हम यहाँ पर बात करें, तो देखिए SC एंड ST कैटेगरी वाले उनका यहाँ पर 5 साल का छूट रहेगा एंड OBC NCL यानी नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए 3 साल का छूट यहाँ पे रहेगा। इसी के साथ हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो आप इसका आवेदन कर रहे हो तो थोड़ा सा इसका नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको यहाँ से सिलेक्शन प्रोसेस को देख लेना है। इसके बाद हम यहाँ पर चार्ज की बात करें, तो देखिए जो असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट के लिए यहाँ पर 1500 रुपये चार्ज होगा एंड फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1200 रुपये चार्ज होगा एंड लैब अटेंडेंट एंड मेस हेल्पर एंड मल्टी स्टाफ नर्स मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पर 750 रुपये चार्ज होगा एंड इनके अलावा जो भी अदर पोस्ट है उनके लिए 1000 रुपये चार्ज होगा। उसके बाद यहाँ पर आवेदन तिथि की यदि बात करें, तो देखिए रजिस्टर ओपन यहाँ पर 12 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो गए एंड रजिस्टर जो क्लोज होंगे यानी आवेदन बंद होंगे ये 10 फरवरी 2022 को बंद होंगे, और आपको फीस जमा जो करनी है ये 12 जनवरी 2022 से ही स्टार्ट हो जाएगी और फीस क्लोज यानी कि भुगतान करने की तिथि भी यहाँ पर 10 फरवरी 2022 है। उसके बाद यहाँ पर जो CBT एग्ज़ाम है यानी कि संभावित बताई गई है कि 9 मार्च 2022 से तो 11 मार्च 2022 के बीच में होगा। इसके बाद आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और उसमें पूरी डिटेल्स आप इसे पढ़ लें एक बार। मैं आशा करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी समझ में आई होगी। एक्टिव एजुकेशन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।